मैं अभी जा रहा हूँ ग्रीन हिल्स मार्केट मनीला के अंदर। अभी तो मैं अपने होटल से निकला हूँ, शाम हो रही है। तो ग्रीन हिल्स यहाँ का सबसे फेमस मार्केट में से है, ये जिपनी जो गई हमने पीछे देखा। तो मैं ग्रीन हिल्स के बारे में बताता, ग्रीन हिल्स यहाँ का सबसे फेमस मार्केट है और एशिया का भी सबसे फेमस मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी सारी डिज़ाइनर टी शर्ट्स, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के जूते जिसमें थोड़े थोड़े डिफेक्ट्स होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे ग्रीन हिल्स मार्केट में। तो बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और मनीला का तो सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स माना जाता है, सब लोग वहीं पर ही जाते हैं ज़्यादातर कपड़े और जूते लेने के लिए। मैं भी जाऊँगा तो पॉसिबल है कि मुझे तो बहुत हाई प्राइस पर ही बोले, तो मैंने होटल वाले से पूछ लिया कि एस्टिमेट प्राइस क्या होना चाहिए जहाँ तक मैं डिस्काउंट करवा सकता हूँ। अभी मैं हूँ मकाती, जो जहाँ पे मेरा होटल है, यहाँ से मैं लूँगा जिपनी जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। जिपनी से मैं जाऊँगा मेट्रो स्टेशन, यहाँ बोलते हैं मेट्रो स्टेशन को MRT, और फिर मेट्रो लेके मैं जाऊँगा ग्रीन हिल्स मार्केट। तो अभी मैं यहाँ पर जिपनी ढूँढूँगा, ट्राई करूँगा यहाँ पर कोई आए, जिपनी आए तो मैं उसे रोकूँ। तो अभी तो मैं सीधा सीधा जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ, अगर जिपनी मिल गई तो मैं उससे बैठ के MRT चला जाऊँगा, या मेट्रो नहीं बोलते हैं MRT बोलते हैं, वरना पैदल पैदल ही पहुँच जाऊँगा, वरना जिपनी मिल गई तो जिपनी में पहुँच जाऊँगा। तो जिपनी लेती है जो मैंने यहाँ पे पूछा सिर्फ 13 पैसों जाने के लिए। तो एक जिपनी आ रही है मेरे पीछे, ये देखो दिखेगी अभी, वो दिख रही, ये रही जिपनी, ओपन होती है आधी बस आधा ऑटो, ऐसा लगता है। 13 पैसों लेता है, मतलब इंडिया का आप लगा लो अराउंड 20 रुपये छोड़ने के लिए। ग्रीन लाइट, तो मैं यहाँ रोड क्रॉस कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि ये मकाती मनीला का बहुत ही डेवलप्ड एरिया है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो पूरे तो आपको ये फिलीपींस में ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन मनीला के मकाती एरिया के अंदर ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। आप रोड क्रॉस तभी कर सकते हो जब पेडेस्ट्रियन ग्रीन लाइट हो, और सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करना है। आपने ये सिंगापुर जैसा सीन है, आपने सड़क पे पैर भी रख दिया ना तो पूरा ट्रैफिक रुक जाएगा और वेट करेगा कि जब तक आप रोड क्रॉस ना कर लो। अभी तक तो मुझे वो जिपनी मिली नहीं है, तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ, पैदल ही चल के आना पड़ा मुझे। तो वो जिमी, वो ये जीप मैं बता रहा हूँ, मुझे मिली नहीं, दूसरी तरफ जा रही थी, जहाँ मुझे आना था वहाँ आ नहीं रही थी, तो पैदल ही आ गया मैं अयाला MRT स्टेशन। पीछे भीड़ देखो, ये लाइन, ये टिकट लेने के लिए। शाम का टाइम हो रहा है ना, ऑफिस ख़त्म हो रहा है, सबको जाना पड़ता है, तो मैं भी लाइन में ही लग रहा हूँ, लाइन में लग गया हूँ। अब अपना स्टेशन देख लेता हूँ कौन सा है, ऑफिस टिकट लेता हूँ। सो मैंने एक टिकट ले ली है, ये सेंटोलन जाना है मुझे, यहाँ से 4-5 स्टेशन दूर है। ये मुझे ये कार्ड दिया है, इसके अंदर ही मतलब मेरी टिकट है। अब वहाँ पे जाके देखना, ये तो कार्ड सा दे दिया कि ये वहाँ पे जाके कार्ड वापस करना है या मुझे खुद ही रखना है। थोड़ा पेपर का कार्ड है, प्लास्टिक का तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे तो जो टोकन होते हैं वो वापस कर देते थे। 20 पैसों की मुझे पड़ी है, 5 स्टेशन दूर, 20 पैसों का मतलब आप लगा लो हमारे यहाँ का 1.40% ज़्यादा लगा लो तो 28 रुपये। मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ, मेट्रो लेकिन यहाँ का कुछ खास नहीं है जैसे हमारा है, बेकार है यहाँ का मेट्रो, AC भी नहीं लगे हुए, गर्मी हो रही है अंदर, बाहर तो अच्छा मौसम है, अंदर घुटन सी हो रही है। ये देखो, ये मैं जा रहा हूँ, ये मेट्रो तो कम, ये तो रेलवे स्टेशन की रेल ज़्यादा लग रही है, पत्थर पत्थर, ये तो हमारी ये जो इंडियन रेलवे है वैसी लग रही है, बहुत ही थर्ड क्लास है की मेट्रो है यहाँ पे। भीड़ देखो कितनी है, और ये आ गई मेट्रो। मेट्रो कम, रेल का डब्बा ज़्यादा लग रही है हमारे यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़, और एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, अलग अलग बॉक्सेस बना रखे हैं, और भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बस खड़े होने की जगह है, मे बी यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है इसलिए। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पे अपने स्टेशन पर पहुँच गया हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, एक्सट्रीम भीड़ थी, कि मतलब पैर रखने की जगह नहीं है, और मतलब कुछ कंपेयर ही नहीं कर सकता, हमारी तो दिल्ली मेट्रो इससे
हजारों गुना बेटर है। आप इसका रेलवे ट्रैक ही देखोगे तो ऐसा लगेगा आपको ये मेट्रो जैसी फीलिंग आती ही नहीं इसके अंदर। और ये पूरी एक वो भी नहीं है, इसमें भी डब्बे डब्बे बना रखे हैं। तो अब मैं यहाँ से उतरूँगा, फिर मैं यहाँ से रास्ता देखता हूँ ग्रीन फील्ड मार्केट का कहाँ पे है। अभी हम मेट्रो से नीचे उतर गए हैं और अब यहाँ से जिपनी लेनी पड़ेगी। सो एक मुझे बंदा मिल गया था, मुझे हेल्प कर रहा है, इससे मैंने पूछा कि किस रेट पे मिलता है और जूते ये सब, ताकि मुझे वहाँ पर ठग ना ले। तो अब ये बोल रहा है कि ये भी इस तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ से जिपनी लेंगे और जिपनी लेके फिर वो मार्केट की तरफ जाएंगे। बहुत शोर है क्योंकि ये आई थिंक हाईवे वगैरह है यहाँ पे। सो ये है जिपनी, इसको हम राइड करेंगे, ये हमें मार्केट की तरफ लेके जाएगा। देख रहे हो, आधा ऐसा लगता है बस है और आधा ऑटो लगता है। मुझे पहला एक्सपीरियंस है, बैठ के देखता हूँ। तो ये रहा मैं जिपनी में बैठ गया, देख रहे हो काफ़ी लोगों की जगह है, काफ़ी लंबा है, लेकिन अगर आप देखोगे हाइट के हिसाब से काफ़ी छोटा है। मतलब कोई 6 फुट से ऊपर का बंदा तो बैठ ही नहीं सकता, उसको तो सर बजेगा। सिर्फ 13 पैसों है यहाँ से कहीं पे भी जाने का। मार्केट में एंट्री ले ली है, एक्चुअली मॉल है यहाँ पे, लेकिन मॉल के ही बगल में यहाँ से एंट्री में लूँगा। यहाँ पे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप है जहाँ पे सब सामान मिलता है। यू मार्केट द बिग डायरी ऑफ ऑल द काउंटरफिट या फेक या डुप्लीकेट या जो रिजेक्ट हो जाते हैं उन सब का मार्केट। अभी एंटर हुआ हूँ तो यहाँ पे तो ज्वेलरी पर्ल्स भी है। एक्चुअली यहाँ पे बाकी सब फेक मिलता है लेकिन पर्ल्स रियल मिलता है कहते हैं। रियल यहाँ पे जो सी और ओशंस है वहाँ से पर्ल्स निकाल के बेचते हैं। तो अभी तो ये पर्ल्स का मार्केट है मतलब मेरे पीछे। अब मैं आगे जाऊँगा और एक्सप्लोर करता हूँ टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ। मुझे प्राइस रेंज बोली है, मुझे यहाँ पे एक बंदा मिला था बहुत हेल्पफुल, उसने मुझे बताया कि टी शर्ट्स यहाँ पे 300 से 500 की रेंज में, 300 से 500 पैसों, और आपके जूते 2 से 3 हज़ार या 4 हज़ार। सो दिस इज़ फॉर 1200, ये है 1200 की। बाकी सो एवरी थिंग इज ऑफ 1200 और ओके ओके। हाउ मच इज दिस कैप्स फॉर 1500? कैप्स इज द सेम प्राइस ऑफ टी शर्ट एंड दीज शॉर्ट्स। इसी वाली लेडी से पूछा कि मैंने तो सुना था तुम यहाँ पे 200-500 इतनी रेंज में मिलती है, तो इसने बोला हमारे यहाँ पे नहीं मिलती, लेकिन इसे मुझे दुकान बता दी जहाँ मिलती है, बोलती आगे से राइट लो तुम इतनी सस्ती मिल जाएगी। वहाँ पे जाके देखता हूँ, यहाँ पे भी प्राइजेस पूछता हूँ, लेकिन टी शर्ट्स काफ़ी अच्छी है एक्चुअली में देखो तो। सो ये मैंने ख़रीदा दिस पीस और ऐसे ही 4 और अलग अलग ब्रांड्स के थे, अच्छे ब्रांड्स हैं। तो शुरू किया इन्होंने 1000 से, मतलब 1000 का एक, एंड देन मैंने ये एक लिया 400 का, मतलब इंडिया के हिसाब से 550 का एक। तो 4 ले लिया, घर वालों को दे दूंगा किसी को। ये वाला देखें, ये भी दिखा दिया, ये तो फुल दिखा दिया, 550 का एक, तो बढ़िया डील मिल गई। अब आगे टी शर्ट्स वगैरह भी देखता हूँ। तो पीछे से मैंने ये खरीद लिया था सामान। एक्चुअली ये मार्केट भी 2-3 जगह पे डिवाइडेड है। या आई विल कम। सो ये जगह भी ना 2-3 हिस्सों में डिवाइडेड है एक्चुअली। एक है कि बहुत ही हाई क्वालिटी का कपड़ा है लेकिन वो महंगा भी उतना ही है। तो एक टी शर्ट वहाँ पे आपको कोट कर रहे हैं 1000-1200 पैसों की। एक एरिया जहाँ पे मैंने अभी आया हूँ मैं, यहाँ पे क्वालिटी इतनी खास नहीं है, ना ही कोई ब्रांड है, लेकिन वही आपके 200-250 पैसों का दे रहे हैं सामान। तो देखता हूँ मैं, मैंने कुछ तो सामान ले लिया है, बाकी मैं टी शर्ट्स वगैरह देखता हूँ, एक आध ले जाऊँगा थोड़ा बहुत। ये यहाँ पे शॉर्ट्स देखो, सारे ब्रांड्स अलग अलग, एडिडास,
लग तो थोड़े नकली रहे हैं क्योंकि, लेकिन ये उस साइड वाली मार्केट है जहाँ पे ज़्यादा ओरिजिनल नहीं है। दिस इज 28-30। ओके 28-30 वेस्ट एंड द प्राइस 350। सो वही प्राइस यही कह रही है कि 350 इसके शॉर्ट्स के लिए। 350 हमारा कितना हो गया, करीबन 400-450 रुपये, 450 रुपये का एक शॉर्ट। ठीक है, ठीक लग रहा है, एक आध थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। भाई मैंने चूज़ किया है कुछ 3-4 चीज़ें इस स्पोर्ट्स वाली शॉप से। ये ज़्यादा सस्ता कर नहीं रही थी, जितना बोला उससे हल्का सा ही डिस्काउंट किया, मैं चला भी गया तब भी सस्ता नहीं कर रही। तो टोटल दो ये टी शर्ट, ये दो टी शर्ट, ये एक शॉर्ट, ये एक पजामा दिया है 1300 का। तो 1300 हमारे यहाँ के लगा लो कितने हो गए, 500 और 1800 की चार चीज़ें, दो टी शर्ट, एक पजामा, एक शॉर्ट। तो किसी को देने के लिए काम आ जाए, खुद तो क्या ही पहनेंगे ज़्यादा, तो ले लिया दे, बढ़िया दिया। नो मोर डिस्काउंट 1300 फॉर द व्यूअर्स ऑल्सो, नो मोर डिस्काउंट 1200 कम नहीं कर रही। ओके थैंक यू, देन पैक ऑल दीज फॉर 1300। तो शॉपिंग वगैरह तो मैंने कर ली, मतलब थोड़े बहुत ले लिए। ये मना कर रही थी वीडियो लेने के लिए, मैं अपनी वीडियो ली है। सब मिलता है यहाँ पे, मतलब घड़ियाँ बड़ी बड़ी छोटी छोटी, पीछे देखोगे तो बड़ी बड़ी घड़ियाँ भी मिल रही हैं, और ये क्या बोलते चश्मे वगैरह सब मिलते हैं। ये मार्केट इसके लिए पर्ल्स के लिए भी बहुत फेमस है, काफ़ी पर्ल्स होते हैं, रियल पर्ल्स। सो कैन यू टेल मी विच इज साउथ सी एंड विच ओके ओके विच इज द 3000 feet वन, दिस इज 3000 feet, हाउ मच इज दिस वन, दिस इज 3000 feet करेक्ट, हाउ मच, दिस वन इज साउथ सी इज 6000 6000 and the normal and the fresh water is 3000 okay okay. मैंने पूछा कि कौन कौन से pearls होते हैं, तो pearls में उन्होंने बताया कि एक fresh water होते हैं और आपके एक sea water होते हैं, fresh water 3000 feet deep। तो वो उन्होंने बोला कि 6000 और दूसरा 3000, तो obviously discount तो करते ही। तो शॉपिंग वगैरह मैंने कर ली, मतलब जो जो सामान लेना था ले लिया। पर्ल्स के बारे में जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था, एक्चुअली ना वो मुझे देख रहे थे, अलाउड नहीं था वीडियो लेना वहाँ पर्ल्स की साइड पे। तो उसने जो कोट किया था दो टाइप की, एक 6000 का और एक 3000 का, डिस्काउंट कर देती, लेकिन आई थिंक अब मुझे तो मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं कि रियल है फेक है, इसलिए मैंने लिया नहीं, ना ही मैंने इससे ज़्यादा इंक्वायरी करी। अब यहाँ पे काफ़ी सारे पीछे रेस्टोरेंट हैं, तो यहाँ पे मैं कहीं पे खाना खा पी के फिर मैं घर की तरफ निकल जाऊंगा। देखता हूँ टैक्सी करूँ या मेट्रो से करूँ, थकान इतनी हो रही है कि हिम्मत नहीं है कि मैं मेट्रो से जाऊँ, लेकिन देखते हैं क्या क्या मन करता है, मन बदल जाता है मेरा बहुत जल्दी जल्दी। सो मैं एक रेस्टोरेंट आया हूँ यहाँ पे, बहुत अलग टाइप का। यहाँ पे आप पीछे इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, ग्रैब अ बोल, पिक योर फूड, वेट अप एंड चूज योर सूप। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारी टाइप की सब्जियाँ, अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं, खुद पिक करो, जैसे ये पीछे देखो पिक कर रहे हैं, एंड खुद की डिश बनाओ या खुद का सूप बनवाओ या जो तुम्हें बाउल वाउल बनवाना है खुद बनाओ। तो काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, मतलब मैंने तो आज तक देखा नहीं, काफ़ी अमेजिंग है।